जी हाँ, कप्तान बनते ही द हिटमैन ने दोहरा शतक लगा दिया था और आपको लग रहा हो कि अभी तो कोई मुकाबला हुआ नहीं है, अभी अभी तो ओडीआई के कप्तान बने हैं, तो फिर दोहरा शतक भाई लगाया तो लगाया कब। तो आपको बता दें कि ये बात है 2017 की, आज ही के दिन, आज है 13 दिसंबर 2021, और ये 4 साल पहले अगर आप चले जाएंगे, रिवाइंड करेंगे, तो 13 दिसंबर 2017 को मोहाली में रोहित शर्मा ने ओडीआई करियर का अपना तीसरा दोहरा शतक लगाया था अगेंस्ट श्रीलंका, 208 रन नाबाद बनाए थे, और उस पारी में 13 चौके 12 गगनचुंबी छक्के, मैसिव सिक्सेस हैज बीन स्ट्रक बाय रोहित शर्मा, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। और आज ही के दिन, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले विराट कोहली की शादी हुई थी अनुष्का शर्मा से, एंड वो अवेलेबल नहीं थे, और उन्हीं की वजह से रोहित शर्मा को श्रीलंका के खिलाफ जो 3 ODI मैचेस खेले गए थे उसमें कमान दी गई थी और उन्होंने शतक के साथ शुरुआत की थी, एंड अंत में जाकर भारतीय टीम इस मैच को जीतने में सफल रही थी। मोहाली में 141 रनों के बड़े अंतर से टीम इंडिया ने उस मैच को जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी में हम 2-1 से उस श्रृंखला को जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रोहित शर्मा दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने कि एक से ज्यादा दोहरा शतक ओडीआई करियर में लगाया था, और साथ ही साथ एज अ कैप्टन की अगर बात करें तो दूसरे सबसे उच्चतम स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे, क्योंकि उससे बेहतर रिकॉर्ड 2011 में वीरेंद्र सहवाग का था, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219 रनों की पारी इंदौर में खेली थी, एंड रोहित शर्मा ने 208 रनों की पारी जो है वो 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, एज अ कैप्टन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई की जब कमान संभालेंगे रोहित शर्मा, तब भी उनके बल्ले से ऐसे ही रन निकले, दोहरा शतक ना निकले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन शतकों की जो बौछार है वो इसी तरीके से द हिटमैन करते रहे। आपको कैसी लगी खबर, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।